हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 एक्सरसाइज 3B से, क्लास 10th RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है, इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इस तरह से जो क्वेश्चन गिवन है बुक में, दो और क्वेश्चन हैं जो ऑलमोस्ट सेम है, क्वेश्चन नंबर 32, 33 एंड 34। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 हम सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन, एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 और 34 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो लिख सकते हैं, ऐड करना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 71x है प्लस 37y इज इक्वल टू 253। ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287। दोनों को ऐड कर दिया, 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 3 10, x है। यहाँ पे भी सेम, 108y इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 प्लस 3 10, कैरी आई 1, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14, कैरी आई 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5। तो यहाँ से हम 108 कॉमन लेंगे, x प्लस y इंटू में इज इक्वल टू 504। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x प्लस y व्हिच इज इक्वल टू 540 अपॉन में 108। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं फ्रेंड्स, 9 से करके देखते हैं। 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, 12 1 जा 12 एंड 12 5 जा 60। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको फ्रेंड्स हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सेकंड स्टेप में सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर हमने ऐड कर लिया एक बार, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, 71x प्लस 37y इज इक्वल टू 253 है यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, 71 माइनस 34 प्लस 37 माइनस 71 माइनस का 34y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 287, ग्रेटेस्ट है। 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 5 3, आ गया माइनस का 34। हमने क्या करना है, 34 कॉमन लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 34। सो x माइनस वाई के हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड्स, माइनस 34 अपॉन 34, दैट मीन्स 1 एन माइनस 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। एक और ये इक्वेशन मिल गई है फ्रेंड्स हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। इस प्रकार से हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इजीली फ्रेंड्स हम एक्स और वाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को हम ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 3 गिवन है, इक्वेशन 4 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 है। ऐड करना है तो प्लस माइनस वाई कैंसिल होगा, क्या मिलेगा हमें, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें x इज इक्वल टू क्या मिल गया है, 2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐड किया है हमने इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन
जैसे हमने पहले किया था, एक बार ऐड किया है और एक बार सब्ट्रैक्ट किया है, तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या तो हमें अब यहाँ से जो x की वैल्यू मिली है इसको हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इक्वेशन 4 में। तो x की वैल्यू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ट्रांसपोज करेंगे, y को राइट में लेके जाएंगे, माइनस वन को लेफ्ट में लेके आएंगे, प्लस वन हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 2 प्लस वन 3, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन हमने, सॉरी ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया दोनों इक्वेशंस का यूज़ करते हुए, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर। कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वीडियो में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। इसके अलावा फ्रेंड्स दो क्वेश्चन और गिवन है एक्सरसाइज में, जिससे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस रहेगा, दोनों इक्वेशन को एक बार हम ऐड करेंगे तो हमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी, और इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को आपस में, तो इसके बाद हमें एक और सिंपलेस्ट फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। इसके बाद से अगेन वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, एक वेरिएबल की वैल्यू, उसको हम पुट कर देंगे दूसरे इक्वेशन में तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसमें जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अगर आपको वो मेथड पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।